दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना है। दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का ऑल इंडिया की आज शाम की सच्ची खबरों में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, सभी राज्यों के भाई बहन पूरा पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। पहली एक बहन है, उन्होंने एक मैसेज लिख करके भेजा है, बेटा मेरा नाम तहसीन ऐसा है, मैं कुसुम्बी की जो है आंगनबाड़ी हूँ, मेरा ब्लॉक दौर में है और मेरे यहां पर भी किशोरियों के वितरण के लिए घी मिल गया है। तो आप देखिए, मैंने परसों या कल बताया था आपको कि घी वगैरह किशोरियों के लिए दिया जा रहा है, तो बहन के द्वारा मैसेज आया कि बेटा मेरे यहां मिल गया है। आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे एक और बहन है, उनका मैसेज देखिए, और भी तमाम खबरें हैं लगभग 19, तो एक एक करके देख लीजिए। लिखा है अगला मैसेज, भाई नमस्ते, भाई आप जैसा भाई शायद किसी को मिलेगा, आप जैसा जो है भाई बड़े सौभाग्य से मिलता है। भाई हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूं लेकिन समय नहीं मिल पाता है। भाई हम आपका न्यूज रोज सुनते हैं, जिस तरह हर जो है जगह भ्रष्टाचारी हो रहा है उस हिसाब से हमारा ब्लॉक बहुत ही अच्छा है। यहाँ किसी भी प्रकार से आंगनबाड़ी के साथ में शोषण नहीं होता है, ना ही किसी तरह का घूस लिया जाता है, मानक के अनुसार पोषाहार भी उनके वहां आता है और जो है हर आंगनबाड़ी की समस्या सुपरवाइजर समझती हैं जैसे हमारी समझती हैं। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे इस भ्रष्टाचारी के जमाने में एक आंगनबाड़ी बहन बता रही कि उनके वहां पर कितनी अच्छी सुपरवाइजर है। भगवान करे हर आंगनबाड़ी बहनों को ऐसे ही जो है विभागीय सुपरवाइजरें मिले, ताकि हर आंगनबाड़ी बहन अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके, भ्रष्टाचारी ना हो और आंगनबाड़ी के ऊपर मानसिक तनाव भी ना हो। यहां पर देखिए समस्या कितनी बड़ी है बहन की, बेटी उनकी 12 वर्ष की है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो विकलांग है और हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन हमारी मुख्य सेविका हमारी ड्यूटी कहीं नहीं लगाती है और हम जो है पोषाहार केंद्र पर ही वितरण करते हैं और सुपरवाइजर जानती भी है, क्योंकि ज्यादा देर तक हम अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते अकेला। बस भैया जी, किसी दिन समय निकाल कर फिर आपसे बात करेंगे। अन्नपूर्णा सिंह है, ब्लॉक वगैरह बनी कोडर बाराबंकी से। तो बहन की आवाज आप ऑल इंडिया के माध्यम से आज देख सकते हो कि बहनें हैं जिनके घर में इतनी समस्या है, बेटी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है, फिर भी जो यहां पर वो समय निकाल कर पहली बात वीडियो देखती है, उसके बाद अपना काम भी अच्छे से करती है और उनके विभाग की सुपरवाइजर भी इतनी अच्छी है कि वहां पर जितनी भी ब्लॉक पर आंगनबाड़ी है उन सबके साथ वो अच्छा बर्ताव करती है। तो ये एक खुशी की बात है सभी राज्यों की बहनों के लिए कि हर जगह ऐसे ही अधिकारी होने चाहिए। आगे अजय कुमार भाई हैं, उन्होंने एक मैसेज किया है, बिहार से हैं, देखिए उनका क्या कहना, लेटर भी भेजा है। विरोध कौन कर रहा है भाई, स्कूल पूर्व के बच्चों का भी जो है पोशाक, जैसे दैनिक पोशाक के बच्चे, इनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है, कौन बच्चा आपके सेंटर पर आएगा। अब रहा सवाल सेविका क्या करेगी, सरकार जो मानदेय देती है वो 4 घंटे के एवज में देती है, तो सेविका अपने सेंटर के अलावा कोई कार्य नहीं करेगी, वह भी एक विरोध का तरीका है। देखिए हम क्या समझा रहे हैं, ये आपका जो डीबीटी है वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक संक्रमण है, कोरोना है तब तक। अभी बिहार में एक विधायक तक संक्रमित हो गए, अभी हम आपको बताना चाह रहे थे, पहले ही समझा दिया था डीबीटी तब तक है, सरकार ने मंत्री ने बोल दिया कि जब तक यहां पर आपका कोरोना संक्रमण रहेगा, संक्रमण खत्म तो शायद व्यवस्था भी खत्म, आंगनबाड़ी के माध्यम से फिर से पोषाहार की शायद बहाली हो जाएगी, ऐसा आपके वहां मंत्री जी ने बोला है। तो आगे की अभी टेंशन मत लीजिए, फिलहाल के लिए आप अपने मानदेय को लेकर के जरूर आवाज लगाएं। 4 घंटे जो आंगनबाड़ी के ऊपर काम का प्रेशर है, यानी 4 घंटे काम करो, इसके अलावा आंगनबाड़ी काम ना करें, यही आप लोग फंडा आगे लेकर के चलिए, इसी चीज को आवाज उठाइए कि 4 घंटे के अलावा हम लोग अधिक काम नहीं करेंगे और इसका विरोध करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही यहां पर लेटर भाई ने भेजा था, आइए लेटर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जैसे ये बिहार सरकार का मैंने लेटर आपको पहले ही दिखा दिया, भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम का लेटर पिछले लेटर में दिखाया और स्पेशल आज एक वीडियो डाला था बिहार के लिए, उसमें भी हमने दिखा दिया। अगली बहन है, यहाँ पर शिवा गुप्ता के नाम से नंबर सेव है और यहाँ पर लिखा है, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी इंदुमती गुप्ता केंद्र जो है जतपुर वगैरह बेलथरा परियोजना है गंज मुरादाबाद से हैं और मुझे किशोरी बालिकाओं को वितरण करने के लिए घी के पैकेट मिले हैं। तो ये आप देख सकते हो सच्चाई कि जहां पर कहीं मैं बताता हूं तो वो होता है, मैं फ्री में यानी कि ऐसे झूठ मूठ नहीं बता देता। आगे देखिए हमारे पास सरोज के नाम से बहन है और उन्होंने मैसेज लिखा है, सरोज भैजाबाद से हैं और सुधांशु भाई नमस्ते, यह मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है, अब मैं इसी नंबर से मैसेज किया करूंगी, आज मैंने आपका लाइव न्यूज देखा। भाई हम लोगों का जो अक्टूबर 2017 में दिसंबर 2017 तक का धरने के समय मानदेय कटा था वो मिलेगा कि नहीं, हम लोगों को 2015 में भवन का किराया भी नहीं मिलता है और मैं आपकी न्यूज तीनों टाइम देखती हूँ, उधर 15 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा जो है खराब चल रही है और इसलिए जो है बस न्यूज देख लेती हूँ, कमेंट और मैसेज नहीं कर पाती हूँ, इस कारण जो है कभी कभी जो है न्यूज समय पर नहीं देख पाती हूँ, लेकिन
बाद में देखती जरूर हूँ। तो देखिए बहन, तबीयत खराब है फिर भी वो खबरों को नहीं छोड़ती हैं, तो इन बहनों को तो पहली बात दिल से धन्यवाद, और आप अपनी पहली सेहत का ख्याल रखिए। यहाँ पर उनका 2015 से भवन का किराया नहीं मिला है, 2015 से, अब खुद सोचिए 5 साल हो गए भवन किराया नहीं मिला है। बहन करे तो क्या करे, अब विभाग के अधिकारियों को पहले फर्ज बनता है कि सूचना दें भवन किराया आए, यदि ना आए तो सबके लिए मैं बता रहा हूं, तो आप फिर वहां जिलाधिकारी के पास एकमात्र चारा बचता है हम लोगों के पास, शिकायत करो अपने विभाग की कि इतने लंबे समय से भवन किराया नहीं आ रहा या मानदेय नहीं आ रहा, जो जैसी समस्या है, क्योंकि पहला फर्ज है विभाग को बताना। विभाग नहीं कर रहा है तो आप किसी और के पास जाएंगे, तो जिलाधिकारी के पास भी जाएंगे। यूं ही जो है 2015 से इतने सालों का पैसा आंगनबाड़ी अपनी जेब से भर रही है, इसका भुगतान कौन करेगा? हो सकता है बिल वाउचर बनकर ऊपर से पैसा खा करके हजम करके अधिकारी रिटायर भी हो जाएं, चले जाएं, उन पर कोई जांच कार्रवाई ना हो और आप अपने किराए को लेकर के ही बहनों बैठी रहो, तो ये भी एक गलत है। आगे हमारे पास कुछ बहनें हैं मुरादाबाद से हैं, उन्होंने यहाँ पर विरोध किया है और विरोध उनका इस संबंध में है, जैसे कि यहाँ पर बहनें चाहती हैं कि उनको COVID-19 के जो सर्वे में लगाया गया है यहाँ पर मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने यानी ग्लव्स, ये सब कुछ दिया जाए, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, और इसके लिए ये भी बहनों ने कहा है कि लिखित में मुझे आदेश भी चाहिए ड्यूटी करने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि लिखित में आदेश होगा तो कल को यदि कोई बहन संक्रमित हो गई तो बहनें अपने उसी लिखित आदेश को लेकर के, सबूत को लेकर के आगे जा सकती हैं, अपना जो 50 लाख का बीमा कवर सरकार ने किया था उसके आधार पर सबूत जुटा करके। तो ऐसे में लेकिन विभाग के अधिकारी क्या बोलते हैं वो देखिए, यहां पर लिखा है जब तक हम लोगों को ड्यूटी लेटर नहीं दिया जाएगा हम सर्वे नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें आप लोग लिख कर दे दो कि ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप लोग हमें जो है लिख करके दे दो कि ड्यूटी करते टाइम कुछ होता है तो आप जिम्मेदारी वगैरह लेंगे, तो किसी ने जिम्मेदारी लिए ही नहीं और काम करने को बोला, यानी जिम्मेदारी लिए बिना काम करने को अधिकारी बोल रहे हैं। तो बहन चाहते हैं कि ऐसे में क्या किया जाए, मुरादाबाद से हैं, तो बहन एक बार यदि आपने आवाज लगाई है तो पीछे कदम मत हटाइए। ये बहनें हैं मुरादाबाद से जो चाहती हैं कि सुरक्षा के इंतजाम हो, लिखित में सरकार हमारी विभाग वाले आदेश दें। जाहिर सी बात है भाई, जब आप काम करवा रहे हो आंगनबाड़ी वर्कर से, घर घर भेज रहे हो बिना सुरक्षा के, तो इनको आप लिखित में दीजिए ना, आदेश लिखित में होते हैं, जब बहनों को लिखित मिलेगा तो बहनें आगे काम करने के लिए जाएंगी। अब लिखित में अधिकारी देना नहीं चाहते, कल को कुछ हो जाए तो अपने ऊपर लेना भी नहीं चाहते लेकिन काम भी हो जाए, तो ऐसे में देखिए आंगनबाड़ी बहनों की समस्या है। अब इन समस्याओं पर सिर्फ अधिकारियों को संज्ञान नहीं लेना है, इन समस्याओं पर माननीय हमारी सरकारों को संज्ञान लेना, लेकिन सरकारें आप सब जानते हो कितना संज्ञान ले रही हैं आंगनबाड़ी की समस्याओं पर। ये बहनों की आवाज है, आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। अब आगे आपको बताना चाहेंगे, ऐसे ही तमाम जगह यदि बहनों ने स्टार्टिंग में विरोध किया होता इन बहनों की तरह शुरू में ही कि हम सर्वे नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे बिना सुरक्षा के, और जब तक मुझे 50 लाख का बीमा कवर का नोटिस नहीं मिलता और जो है लेटर भी जो है मानी कि सरकारी आदेश के स्वरूप हमें ड्यूटी का एक लेटर नहीं थमाया जाता, तब तक हम लोग ऐसे ड्यूटी करने के लिए सिर्फ मौखिक रूप से नहीं चले जाएंगे। लेकिन यहां पर मांग उठी नहीं, बहुत से लोगों ने उठाई और कुछ लोगों ने उठाई ही नहीं, बस इसी के चलते जो है जहां जैसे पाया अधिकारियों ने दबाव बना करके बहनों से काम करवा लिया, और कई बहनें संक्रमित भी हो चुकी हैं। शैलेश कुमारी बहन है, उनका भी मैसेज है, भैया जी पोषाहार जो है फिर आ गया, और पोशाक लिखा है, शायद वो पोषाहार लिखना चाह रही हूँ या पोशाक ही होगा। भैया जी गुड इवनिंग, आप बिल्कुल सही बात बता देते हैं, मैं गया की हूँ और सूचना आप सही बता देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई जी। ये कुछ उन्होंने तस्वीर भेजी है, योग दिवस वगैरह अभी मनाया गया था उसी के समक्ष में बहन ने काफी लेट तस्वीरें मुझे भेजी हैं। आगे आपको ले चलते हैं, जैसे कि अगली हमारे पास बहन है ममता बहन, उन्होंने ये एक लेटर भेजा है, भाई नमस्ते, आपकी न्यूज जो है अच्छी है, आपकी न्यूज जो है सुनकर हमारा मनोबल बढ़ता है, भगवान आपको अच्छी न्यूज जो है देने के लिए बनाए रखें, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। आगे उन्होंने ये मुझे भेजा, ये आंगनबाड़ी मात्र समिति वाला जो है आपका जो गठन किया जाता है उसी के संबंध में, तो आंगनबाड़ी मात्र समिति का गठन कैसे होता है, ये कुछ फॉर्म टाइप का इसमें लिखा, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह सब कुछ भरने के लिए और पदनाम समिति में सदस्य की श्रेणी क्या है, ये सब कुछ आप देख सकते हो। ऐसे आया कि आंगनबाड़ी मात्र एवं बाल विकास समिति है उसका गठन है, उसी के संबंध में ये आदेश है। नीचे कुछ और भी लिखा है, जैसे कि ये नोट है कि आंगनबाड़ी मात्र एवं बाल विकास समिति का गठन करने संबंधी कार्रवाई की एक प्रति या जो है तदनुरूप जो है सूचना पूरक पोषाहार पंजिका में भी लगाई जाए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, पर्यवेक्षण का प्रमाणन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, आप लोगों को कुछ और बताना चाहेंगे, जैसे हमारे एक और बहन है हमारे पास निर्मला बहन, उन्होंने पोषाहार का वितरण किया है, आप देख सकते हो
लाभार्थियों को पोषाहार बांटा है। अब आगे ले चलते हैं, और भी बहनें हैं, जैसे एक और बहन है हमारे पास, ये इन्होंने लिखा है, भैया जी नमस्ते, मैं जिला चंदौली ब्लॉक जो है चहनिया गांव नैड़ी, आज मैं घर घर जाकर के पोषाहार वितरण करती हूं। भैया पोषाहार बंद हो जाता तो बहुत अच्छा होता। आगे लिखा है, भैया मैं तो जो है सुपरवाइजर को कोई पैसा नहीं देती हूं और काम ईमानदारी से करती हूं, कोई अधिकारी से नहीं डरती हूं। फरजाना बेगम है नैड़ी से, आप देख सकते हो उनके द्वारा ये दो तस्वीरें मुझे भेजी गई हैं। आगे चलते एक और बहन है हमारे पास, ये उन्होंने अपना नाम वगैरह कुछ भी नहीं भेजा है, सिर्फ ये वजन लेते हुए बच्चे की तस्वीर मुझे भेज दी है। आगे बताना चाहेंगे, एक और हमारे पास फोटो आई है, बहन है, यहाँ पर लिखा है, भाई जी हम यहाँ पर कुकड़ा से हैं, यूपी मुजफ्फरपुर शायद लिखा हुआ है, मैं आपकी न्यूज़ व वीडियो देखती हूँ ऑल इंडिया यूट्यूब पर, और आप अच्छे हैं और जो न्यूज़ भी सही देते हैं भैया जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। जैसा कि आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें भी ये उनकी हैं, यहाँ से आप देख सकते हो घर घर जाकर के पोषाहार वितरण बहन कर रही हैं। साथ ही आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर पूनम बहन है, पोषण सखी के साथ गृह भ्रमण वगैरह पूनम बहन कर रही हैं, उनके वहाँ से भी ये मुझे तस्वीरें भेजी गई हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। अब आगे ले चलते हैं आप लोगों को, जैसे आप देख सकते हो आगे हमारे पास उमापति के नाम से नंबर से और हमारी एक बहन है, उन्होंने ये मुझे तस्वीरें भेजी हैं, आप देख सकते हो टीकाकरण वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है बहन के द्वारा, और ये नीचे उन्होंने कुछ लिख करके भी भेजा है, टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और आंगनबाड़ी बहन है, साथ में आशा बहन है, एनम भी है, और साथ लक्ष्मणा देवी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन। आगे बताना चाहेंगे, ये हमारे पास एक और बहन है, रेखा बहन है, उनका भी मैसेज लगा हुआ है और उन्होंने भी कुछ तस्वीरें भेजी हैं, गोद भराई का कार्यक्रम उनके वहां पर ये ऊपर चल रहा है, साथ ही साथ ये देख सकते हो घर घर जाकर के परामर्श भी बहन दे रही हैं। अब आगे ले चलते हैं आप लोगों को, यहाँ पर जितनी भी खबरें थी हो गई, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ऑल इंडिया की खबरों का इंतजार करिए।